नमस्कार। आज नमस्कार। आज फास्ट कैलकुलेशन की सीरीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने फास्ट कैलकुलेशन के लगभग 4 या 5 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कैलकुलेशन करने में आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। किसी भी हमने ये भी बताया कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो उनका स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे करते हैं, और जिन दो नंबर्स के लास्ट में 5 हो उनको गुणा कैसे करते हैं आपस में, और भी बहुत सारे तरीके हैं गुणा उड़ा करने के, कैलकुलेशन करने के बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं। आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत ही सटीक आंसर निकलता है, गलत होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं उसमें। तो आप लोग सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, और सबसे पहले आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग स्क्वायर निकालने के बहुत सारे फार्मूले जानते होंगे, बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं फार्मूले निकालने के, लगभग 20-25 तरीके होंगे स्क्वायर निकालने के, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो सबसे मेरे नज़र में सबसे बेस्ट तरीका वही है स्क्वायर निकालने का, क्योंकि उसमें स्क्वायर निकालने में कोई पेन जलाने की जरूरत भी नहीं रहती, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और आसानी से आप निकाल लेंगे और टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आपने देखा होगा, आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस होता है लेकिन हम आपको स्क्वायर बता रहे हैं, ये चीज नहीं बता रहे हैं। कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर। इसी का यूज करेंगे और आसानी से सभी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। दो नंबर, तीन नंबर का भी हम निकाल सकते हैं इसी से, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नंबर बड़े हो जाएंगे तो उनको कैलकुलेशन करने में फिर उसी तरह की दिक्कत आने लगेगी। इसलिए दो नंबर तक आप आसानी से निकालेंगे, जहां पे जरूरत हो आप तीन नंबर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन नंबर सरल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें जिन संख्याओं का पता है स्क्वायर उनको कैसे निकालते हैं। और एक बात और, आपको 30 तक स्क्वायर याद करना जरूरी है। 30 तक स्क्वायर आपके माइंड में होना चाहिए, रटे होना चाहिए बिल्कुल। जैसे ही बोले नंबर तुरंत आए, तुरंत आंसर उसका, जैसे ही नंबर निकले तुरंत आंसर, इस तरह से वो रटे होना चाहिए 30 तक, कम से कम 30 तक। ऊपर हो जाए तो और अच्छा है, ऊपर हो जाए तो और बढ़िया है, लेकिन कम से कम 30 तक तो जरूरी आना चाहिए। 30 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी छूट नहीं है। निकाल सकते हैं, हमारे पास तरीका है निकालने का, उससे निकाल सकते हैं, लेकिन याद करना और निकालना एक अलग चीज होती है। जितनी जल्दी हमें याद होगा, जितनी जल्दी याद करके लिख सकते हैं उसको, निकाल करके उतनी जल्दी नहीं लिख सकते। कितना भी शॉर्ट तरीका है आपके पास, लेकिन कुछ तो समय लगेगा उसको निकालने में, लेकिन अगर याद है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सिर्फ लिखना है उसको। तो 30 तक जरूरी है और उसके आगे याद कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो याद है मैं उसमें से निकालता हूं। सबसे पहले मान लेते हैं 29 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 29 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखा है, सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 9 81, फिर 9 2 2 ab, 9 2 18 2 36, फिर 2 2 4। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यह है ए, दूसरी संख्या बी, इस सीरीज में रख दीजिए, आसानी से निकालते हैं। 9 9 81 यानी बी स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 × 2 × 9, 9 2 18 2 36, और ए का स्क्वायर यानी कि 4। इंपॉर्टेंट है इसको ऐड करना, ऐड कर सक कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहां पर 81 है, 81 का एक लिखेंगे। आप लोग जब ऐड करते होंगे तो जब दो नंबर आते हैं तो देखते हैं कि एक एक नंबर लिखते हैं, एक शेष बच जाता है,
तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है, 81 है, 81 का एक लिखेंगे 8 बचा, 8 कैरी हो गया, शेष है वो 8 को हम कहाँ भेजेंगे, इधर भेज देंगे। 8 6 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8 6 14 के 4 हासिल कितना, एक एक बचा। अब एक को फिर कहाँ लाएंगे, एक 3 के ऊपर आएगा, 3 1 4, 3 1 4। अब यहाँ पर 4 शेष बच गया है, 3 1 4, 4 शेष बचा, 4 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, और 4 4 8, 29 का स्क्वायर कितना हो गया, 841। 37 का स्क्वायर देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वही काम, यह है ए, यह है बी, कितना होगा, 7 7 49, 7 3 21 42, 3 3 9, ऐड कीजिए इसको। सबसे पहले 9 पचा कितना, 4, 4 शेष बचे, 2 नंबर है तो एक नंबर यहां पर लिखेंगे, बचा कितना 4, 4 को इधर ले आएंगे, 42 और 4 46, 46 के 6, फिर कितना बच गया, 4, 4 इधर ले आएंगे, 9 4 13, 1369, ये हो गया 37 का स्क्वायर। ये हमने आपको बताया कि तरीका क्या होता है इसको निकालने का, ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको इसमें कुछ भी नहीं याद करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं याद करना है, ये सिर्फ तरीका है कैसे निकालेंगे। आगे देखते हैं कि एग्जाम में कैसे निकालेंगे, हम ओवर इसको कैसे कर सकते हैं, ओवर इसको मुजबानी हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास पेन ना हो, सिर्फ नंबर लिखा हो सामने, तो उस नंबर को देख करके कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इस पर कर लेनी है, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेना है, कोई याद नहीं करना है इसको, बस हल्की सी प्रैक्टिस करना है, दो चार क्वेश्चन आप लगाएंगे थोड़ा समझ जाएंगे, उसके बाद आप ऐसे ही करने लगेंगे, मुझबानी करने लगेंगे इसको। सबसे पहले क्या है, बी स्क्वायर, बी मतलब 9, 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, 81 का एक शेष कितना बचा, 8, 8 कैरी हो गया, वो हमारे माइंड में रहेगा, 8, 8 कैरी हुआ। अब 2AB है, 9 2 18 2 36, और 8 पहले हमारे कैरी है, 36 और 8 कितना हुआ, 36 8 हो गया 44, 44 के 4 शेष फिर कितना बच गया, 4, उसको भी कैरी के रहिए। अब ए स्क्वायर, यही 2 2 4, और 4 वो पहले वाला कैरी वाला, 841। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा माइंड में आपको कैरी सिर्फ माइंड में कर रहना है, कैलकुलेशन जो है माइंड में कर लेना है बस। 37, 37 का स्क्वायर 7 7 49, 9 शेष कितना बचा, 4, उसको माइंड में रखे कैरी, 7 3 21 2 42, 42 और 4 46, 46 के 6 फिर शेष कितना बच गया, 4, 4 को ध्यान रखना है, 3 3 का 9, 9 और 4 13, 1369। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पर इसको भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, कुछ भी सिर्फ नंबर देखिए आप इसको मुजबानी निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। 29 का निकाल रहे हैं, 9 9 81, एक बचा, 8 कैरी हुआ, 9 9 81, 9 2 18 2 36, 36 8 44, एक पहले से था, 44 के 4 हासिल आया कितना, 4, 2 2 4 4 8, 841, 8 4 1, 841 बचा। तो इस तरह से आप माइंड में कर सकते हैं, हल्की सी प्रैक्टिस यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, तरीका सबसे अच्छा है मेरी नज़र में, सबसे अच्छा है, हो सकता है आपको इससे भी अच्छा तरीका पता हो, लेकिन जो भी तरीके होंगे कम से कम उनको लिखना आपको पड़ेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है, आप बिना लिखे भी इसको आसानी से माइंड में निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए 37 का स्क्वायर कैसे, 7 7 49, 49 के 9 कितना बचा, 4, 7 3 21 2 42, 42 और 4 46, 6 बचा 9 बचा, 4 कैरी हो गया, 9 पहले से था अब 6 हो गया, 4 कैरी हो गया,
तीन त्रिका नौ चार तेरह, 1369। इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कुछ नंबर्स हमने लिखे हैं, आइए इनको देखते हैं। इसको देखने के बाद देखते हैं कि तीन नंबर वाले कैसे निकाल सकते हैं। 47 का स्क्वायर निकालना है, 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, 2 × 9 = 56, और 56 × 4 = 60 के 0। हाँ से 6 × 4 = 16 = 22, 16 × 6 = 22, 52, 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 20 के 0 हासिल 2, 5 × 25, 25 × 2 = 27, 6 × 6 = 36, बचा कितना 3, 9 × 54 = 108, 108 और 3 = 111, 11 के 1 शेष कितना बचा 1, 9 × 9 = 81, 82, 7 × 7 = 49, 49 × 9 हासिल 4, 8 × 7 = 56, 56 × 2 = 112, 112 और 4 116 के 6 शेष कितना बचा 1, 8 × 6 = 64 = 65, 7 × 49 = 9 हासिल आई कितना 4, 7 × 49 = 9 हासिल आई कितना 4, 6 × 42 = 84, 84 × 4 = 86, 86 हासिल कितना 8, 6 × 36 = 8 = 44, 6 × 36 = 44। देख रहे हैं आप, बहुत ही आसानी से कुछ भी आपको करना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में करना है इसके लिए। और फास्ट कैलकुलेशन वाले वीडियो आप देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली माइंड में करने लगेंगे उसको। आप चलते फिरते नंबर्स को गुणा करते रहिए, कहीं भी जा रहे हैं तो सोचते रहिए ऐसे कैसे गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। इस तरह आप माइंड में हमेशा नंबर्स को, नंबर्स से खेलना, एक बार एक तरह से नंबर्स को से खेलना सीखिए। नंबर से खेलेंगे कैसे, जब आप खेलना सीख जाएंगे नंबर से तो बहुत ही आसानी से आप निकालेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। 78, 8 × 64 हासिल कितना 6, 8 × 56 = 112, 112 × 6 = 122, शेष कितना बचा 12, 7 × 49, 49 और 12 आपको ऐड करना है, 49 12, 12 में से 10 इनको दे दिया, 49 कितना हो गया 59, 59 × 2 = 71, 2 और इधर चला गया 71, 92 का स्क्वायर निकालना है आपको, 2 × 2 = 4, 9 × 2 = 18, 2 × 36, शेष कुछ बचा ही नहीं, 36 के 6 हासिल आए कितना 3, 9 × 9 = 81, 3 = 84, 4 × 16 = 6 हासिल कितना 1, 7 × 28 = 56 = 57 = 7 हासिल कितना 5, 7 × 49 = 5 = 54, 5476। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और मुझे लगता है सबसे बेस्ट मेथड यही है। और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, निकाल सकते हैं, लेकिन इससे करेंगे तो आपको जरा से भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर्स लिखते जाइए आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं तीन नंबर वाले कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 113 का स्क्वायर निकालना है, 113 का स्क्वायर निकालना है तो जो लास्ट वाला नंबर होगा ये है बी, बाकी इधर जितने बचे वो है सब क्या ए है। तीन नंबर इससे आप 5 नंबर वाले स्क्वायर 10 नंबर स्क्वायर किसी भी स्क्वायर का निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत होती ना तो वही बाउंडेशन होता है और हमारे एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत हद 125 तक पूछ लिया जाए शायद,
और उससे आगे तो बहुत ही मुश्किल होता पूछना, और पूछ भी लेगा तो हम किसी तरह से अपना काम चला लेंगे। लेकिन 2 नंबर वाले स्क्वायर आपको आसानी से निकाल सकते हैं, गुणा भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, गुणा करना भी वहां पर कि ना कर पाए। लेकिन 3 नंबर में थोड़ी दिक्कत हो जाती। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया 525 का स्क्वायर निकालिए, अब ये तो अब आप कितना करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 52 पंचे करेंगे, उसका फिर डबल करेंगे, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। यही दिक्कत होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इतना आगे नहीं निकालते हम लोग। तो सबसे पहले अगर 113 लिखा है तो जो लास्ट लास्ट से 1 नंबर लीजिए वो पहले 1 नंबर है, और बाकी इधर जितने भी बचे हैं वो सेकंड नंबर है, और पहले वाला ए होता है, लास्ट वाला बी। इस तरह से निकालिए इसको। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 शेष कुछ नहीं बता, 11 3 33 दूना 66, 66 के 6 हासिल कितना होता, 6, 11 के स्क्वायर 121, 121 6 127, ये हो गया 113 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकाल रहा है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी कम है बस। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, कैलकुलेशन फास्ट करके और सही कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर में कभी भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, और बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे इसको। जैसे आपको 124 का स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया जाए, क्या करेंगे, 4 चौक 16, शेष कितना बचा, 1 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 1 97, शेष कितना बचा, 9, 12 के स्क्वायर 144, और 144 और 9 153, ठीक। इस तरह से आप आसानी से निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं होगी कोई। लेकिन इससे आगे नहीं जाना है आपको, यहाँ पर बाउंडेशन है आपके लिए, निकाल सकते हैं लेकिन नंबर्स जो हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगे, गुणा करने में हमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 12 है, 12 के स्क्वायर तो निकाल लिया, लेकिन अगर और भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे 56 57 67 दे दिया जाए, तो इस तरह का स्क्वायर निकालने के लिए फिर से हम 2 नंबर वाला स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, तो वो सब थोड़ा दिक्कत करता है। इसलिए यहाँ पर 125 तक इसको सीमित रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया स्क्वायर की बात, अब देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्वायर सीख गए होंगे, स्क्वायर कैसे निकालना है, ना सीखे होंगे तो एक दो बार वीडियो को और देख लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तरह तरह के नंबर, अलग अलग नंबर लेके उनका स्क्वायर निकालिएगा, आसानी से आ जाएगा, और वो हमेशा के लिए फिर याद हो जाएगा।